हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टर होम्योपैथिक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसिडिटी, गैस, अपच और बदहजमी जैसी समस्याओं के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाइपर एसिडिटी, जिसे आम तौर पर एसिडिटी भी कहा जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पेट के अंदर एसिड बहुत ज्यादा बनने लगता है, जिसके कारण जलन और दर्द, भूख ना लगना, उल्टी, पेट का फूल जाना और सीने में तेज जलन होना तथा पेट में दर्द होना जैसे लक्षण पैदा हो जाते हैं। यदि इस स्थिति में सभी प्रकार के गैस की प्रॉब्लम को रोका नहीं गया तो ये आगे चल के गैस्ट्रिक अल्सर और अपच, वजन बढ़ने और सूजन और दर्द जैसी परेशानियां पैदा कर देते हैं। इनको रोकने के लिए इसका होम्योपैथिक दवा का उपचार करना बहुत जरूरी है। हाइपर एसिडिटी आम तौर पर कई बाहरी चीजों को खाने से हो जाती है, जैसे कि फास्ट फूड खाना या फिर मैदे का सामान खाना या फिर तला भुना सामान खाना या फिर अनियमित खान पान की वजह से, बहुत ज्यादा तनाव रहने की वजह से और लंबे समय से अन्य चिकित्सा पद्धति की दवाओं को यूज करने से भी ये हो जाता है। इसके कई तरह के लक्षण होते हैं, जैसे आपका पेट फूल जा रहा हो, आपको टॉयलेट बार बार जाने का मन कर रहा हो या फिर टॉयलेट नागा दे करके हो रहा हो और गैस बन रही हो, खाना हजम नहीं हो रहा हो, इस तरह के लक्षणों से एसिडिटी, अपच और खट्टी डकारों की जैसी समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, आपको जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने नजदीकी होम्योपैथिक स्टोर पे चले जाएं और उसे ये फोटो दिखा दें। पहली दवा का नाम है चाइना 200 पोटेंसी में और दूसरी दवा का नाम है नक्स वोमिका 200 पोटेंसी में। ये दोनों दवाएं आपको दो बूंद सुबह में, दो बूंद रात में टंग डोज पे लेना है। 2 से 3 दिन में आराम मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये दवा आपको 15-20 दिन रेगुलर खाना है। आपकी पेट की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी और आपका वेट भी अच्छा हो जाएगा और हेल्दी हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।